तो जब हम रनिंग की बात करते हैं तो वो सिर्फ आपको ऐसा नहीं होता कि फिटनेस देती है, फिर ज़हनी आज़ादी देती है, बहुत सारी आपकी जो सोशल स्किल्स हैं वो बेहद अच्छी हो जाती हैं। जैसे कि हम दोस्तियों की बात करते हैं कि जो रनिंग के थ्रू आपकी दोस्ती है ना, वो बिल्कुल पक्की रहती है, क्योंकि आप सुबह उठते हैं एक दूसरे को जो है अलार्म क्लॉक के थ्रू जो है उठा रहे होते हैं कि अरे यार मतलब उठना है, नहीं आज का रन जो है ना मिस नहीं करना है, तो ये सब कर रहे होते हैं, साथ में ट्रेन कर रहे होते हैं। दूसरे इंसान के पसली में दर्द हुआ, आपने पानी दे दिया, आपने काला नमक या संतरा दे दिया, आपने साथ में रेस्ट कर लिया, स्ट्रेच कर लिया, फिर आगे बढ़े। कई कई बार ये मेरे साथ हुआ है कि जो मेरी पहली फुल मैराथन थी ना, तो वो थी मुंबई, टाटा मुंबई मैराथन। और उसमें एक ऐसा मोमेंट आया था कि मैं बहुत वीक हो गई थी। होता ना कि पहली बार आप 42 कर रहे हो, और वो भी आप सीधे मुंबई जाके कर रहे हो जनवरी के महीने में, जिसमें आपने ट्रेन दिल्ली में किया है, तो इट वाज वेरी कोल्ड, और आप फिर आप लैंड किए हो तो बिल्कुल लाइक भभक रहा है सब कुछ। तो आप ऐसे अंगारों पे, आपको ऐसा फील होता है ना, आप अंगारे पे भाग रहे हो पूरे टाइम, और अंगारे पे भागने का पूरा ऑलमोस्ट चौथा या पाँचवा घंटा लग चुका है। तो वो क्या कहते हैं ना कि मैराथन एक्चुअली तब स्टार्ट होती है जब आपके 33 किलोमीटर ख़त्म हो चुके होते हैं मुंबई में, क्योंकि सूरज आपके टॉप पे होता है, और जो ना आप सड़क पे आ चुके हैं, पूरा भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, आप सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, आप एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, अब करना पड़ जाता है, ये लोगों का रास्ता है भाई, और उनको लगता है कि भाई ये बात करी जा रही, तो हम नहीं क्रॉस करें तो क्यों किसी को परेशान करें। तो फिर आप एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं मुंबई में, और वहाँ पे फिर मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई। भागते भागते ना आपस में इंसान खूब बात बात करते हुए जा रहा होता है, ये ग्रेट गोइंग, ब्रावो ब्रावो ब्रावो, गुड गोइंग गुड गोइंग, और बहुत सारे लोग जान पहचान के भी दिख रहे होते हैं। फिर आपको अपनी स्पीड से भागने वाला एक साथी ज़रूर मिल जाता है, फिर आप उसको पकड़ लेते हैं, आप उससे जो भी बातें करते हैं, नाम वगैरह जो भी पूछना है, आप उसको अपना ये चीज़ ज़रूर बताते हैं कि यार मुझे फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है और थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा सूरज ना मुझसे नहीं झेला जा रहा है। तो फिर वो आपका दोस्त बनता है, और फिर आप बातें करते करते आपके ये 9 से 10 किलोमीटर कैसे जाते हैं आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। आप बातें करते हैं, आप रुक के पानी पीते हैं, आप एनर्जेल पीते हैं, आप आधा कटा हुआ केला जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, और थोड़ा स्ट्रेच कर रहे होते हैं। और मुझे याद है जो मेरी वहाँ पे शायद प्राची नाम था, जो मुझे लास्ट के 10 किलोमीटर में मिली थी मेरी पहली फुल मैराथन में, तो उनके तकलीफ़ होने लग गई थी, और मैंने उनको रुक रुक के मसाज किया था। तो मतलब आप ये देख रहे हैं कि बॉन्डिंग जो होती है दोस्तों की, वो सारी एक साथ आप एक ही मैराथन में देख पाते हैं। तो बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है आपकी जो भी आपसे मैराथन में मिला है, या फिर मैराथन के ज़रिए से मिला है। और एक एक और कहानी है बहुत अच्छी। जब मैं मुक्तेश्वर मैराथन कर रही थी, आई थिंक दैट वाज 2016, हाँ 2016 था वो, और ये था कि अच्छा मुक्तेश्वर मैराथन अपहिल मैराथन है, और उससे पहले मैंने अपहिल कभी नहीं किया था, सो दैट वाज 2200 मीटर्स अबव सी लेवल। तो मुझे ये था कि अच्छा कैसे होगा, पर ये भी है कि करना भी है क्योंकि नई चीज़ करनी है। तो वहाँ पे एक रनर है संगीता साइकिया, जो DRG दिल्ली रनर ग्रुप जो हैं वो चलाती हैं, उनसे मेरी मुलाकात वहाँ पे हुई थी, वो अपने बच्चे के साथ आई थी, और उसमें यही हुआ कि हम लोग साथ में भाग रहे हैं। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई कि एक वो होता है ना कि कट द कॉर्नर्स, कि यू आर कटिंग द कॉर्नर्स एंड देन यू आर रनिंग। और कई बार ऐसा होता था कि हम अपहिल पे हैं तो हमसे नहीं भागा जा रहा है, फिर हम चल रहे हैं, हाफ रहे हैं, चल रहे हैं, और बेहद मुश्किल हो रहा है हमारा जो है ना कि यार भागना ऐसे। फिर एक ऐसा वक्त आया, खूब सारी बातों की बात की, अच्छा आपने कब भागना शुरू किया, मैंने कब भागना शुरू किया, कि जब फिनिशिंग लाइन नज़दीक थी ना, तो उन्होंने कहा कि फैज़ी अब जो है ना हम रुकेंगे नहीं, अब सीधे फिनिशिंग लाइन पर ही रुकेंगे, क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, पर मेरा बच्चा ना फिनिशिंग लाइन पर खड़ा हुआ है, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा कहीं से भी सोचे कि उसकी जो माँ है ना वो बहुत कमज़ोर है, या फिर उन्हें कमज़ोरी महसूस हो रही है। मैं कहीं से ये नहीं बताना चाहती, ही शुड जस्ट नो दैट मदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और फिर हम साथ में भागे हैं फिनिशिंग लाइन तक, और सब लोग जो है ना, मतलब जैसे वो काफ़ी सीनियर रनर हैं, तो उनको सब बोल रहे थे कि ओके ठीक है क्रॉस हर जस्ट रन।
पर उनके दिमाग में ये आया कि ये 21 किलोमीटर तक मेरे साथ में रही है, सो मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटा 10 मिनट कुछ ऐसे, तो मैं इसको ऐसे नहीं कर सकती। तो उन्होंने अपना हाथ दिया और वो फिनिशिंग लाइन हमने साथ में क्रॉस की है हाथों में हाथ लेके, और वो जो पिक्चर है ना वो ऐसा है कि इट लुक्स लाइक एज इफ बोथ ऑफ अस आर फ्लाइंग। और फिर उसके बाद हम दोनों ने हग किया, तो वो लम्हा बहुत अच्छा था कि एक तो सबसे पहले कि कोई भी माँ जो है अपनी औलाद को ये नहीं बताना चाहेगी कि उसको कमज़ोरी लग रही है, क्योंकि वो ये दिखाना चाहती हैं कि हाँ वो कितनी मोहब्बत करती हैं उससे उनसे और वो मज़बूत है। और दूसरा ये कि जब दुनिया बोल रही हो कि नहीं यार उससे आगे निकलो ना यार अब तो पोजीशन आ सकती है, तो उन्होंने पोजीशन का ना सोचते हुए उन्होंने हाथ पकड़ के फिर फिनिशिंग लाइन क्रॉस की है। तो ये जो फिनिशिंग लाइन होती है मैराथन की, हाफ मैराथन की, किसी भी रेस की, ये आपको ज़िंदगी का बहुत कुछ सिखा देती है। सो ये थी कुछ छोटी छोटी कहानियाँ। बाय, कीप रनिंग।